सीरियल येशु में एक्टर रुद्र सोनी निभा रहे हैं किंग हेरोड के बेटे एंटिपस का किरदार, जिसके लिए रुद्र सोनी ने की है ढेर सारी मेहनत। वैसे रुद्र सोनी को आप सब इससे पहले बालवीर में देख चुके हैं, तो चलिए आज सीधा चलते हैं रुद्र सोनी के मेकअप रूम में और देखते हैं कि वो रुद्र से कैसे बनते हैं एंटिपस। Hey everyone, मैं हूँ रुद्र सोनी और ये है मेरा जनरल आउटफिट, जनरल लुक, और अब मैं अपने शूट के लिए रेडी होने जा रहा हूँ आउटफिट और मेकअप के साथ। सो आइए देखते हैं, अभी मैं पहले मेकअप करूंगा, उसके बाद अपने आउटफिट में रेडी होगा। कम एंड वॉच। सो अब हम मेकअप के लिए रेडी हो चुके हैं एंड दादा फुल प्रिकॉशंस के साथ एकदम रेडी रहते हैं, पूरे सैनिटाइजेशन के साथ, एंड अब मेकअप करेंगे, इसके बाद फिर होगा हमारा आउटफिट एंड देन अपने खाने लुक में आकर। रुद्र के मेकअप की शुरुआत होती है पूरे सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ। हालांकि इस शो में सभी का मेकअप बहुत ही नेचुरल है, इसीलिए रुद्र ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल नहीं करते, और रुद्र का मेकअप भी ऐसा है जैसे कि लगे ही ना कि मेकअप लगाया है, यानी कि नेचुरल मेकअप। दादा बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा शॉर्ट के पास खड़े रहते हैं, जैसे शॉर्ट कट कुछ खराब हुआ, मेकअप दादा, हाँ जी सर आ गया, एंड पटाक से। कभी गलती गुंजाइश मिलती नहीं, दादा अपने आप से करके कर देते हैं सर, कभी सर को बोलना नहीं पड़ता डायरेक्टली सर को। मेरा एक नॉर्मल सा बेस मेकअप बना है अभी का था, वैसे मैं मोस्टली कराता भी नहीं हूँ, बट अभी थोड़े पिंपल वगैरह होने लगे तो कराना पड़ता है, लेकिन दादा इतने अच्छे से करते हैं, ना मुझे कोई रिएक्शन होता है ना कुछ, एकदम क्लियर कट। शेकअप करके फाइनली रुद्र बन गए हैं एंटिपस। सो आई एम रेडी विद माय लुक और मेकअप भी डन, फाइनल टच अप डन, ज्वेलरीज डन और आउटफिट भी हो गया, अब बस एक जैकेट और डन करना और ये क्राउन भी। लेट्स डू इट। इसके बाद हम जाएंगे सेट पे। ये काफी एलिगेंट कलर का जैकेट है, वॉलेट कलर, पर्पल कलर सब मिक्स है, मुझे बहुत पसंद आया ये कलर। आज तक ब्यूरो।